आई स्टार्ट द नेम ऑफ अल्लाह वेलकम टू तनवीज आइडियाज आज की ये वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज टू सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रेड थ्री के हवाले से बनाने जा रहा हूँ लेट्स बिगन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ओरल कम्युनिकेशन चले पहले क्वेश्चन से आगाज करते हैं ओरल कम्युनिकेशन से लिसनिंग द साउंड प्रोनाउंस वर्ड्स गिवन बिलो एंड अबाउट शॉर्ट एंड लॉन्ग वाउस दो काम करने हैं इन दिए गए अल्फाज को प्रोनाउंस करना है और फिर शार्ट और लॉन्ग वाउस भी बताने हैं पहले पढ़ लेते हैं मग, लीफ स्टॉप एग साइज, केयर सी बस मग में यू शार्ट है लीफ में ई लॉन्ग है स्टॉप में ओ शार्ट है एग में ई शार्ट है साइज में आई लॉन्ग है केयर में ए लॉन्ग है सी में ई लॉन्ग है बस में यू शॉर्ट इसी क्वेश्चन की सेकेंड जो से टॉक अबाउट थ्री थिंग्स दैट यू लाइक एंड थ्री थिंग्स दैट यू डू नॉट लाइक तीन चीज़ों की बात करनी है जो आप पसंद करते हैं और तीन उनकी बात करनी है जो आप ना पसंद करते हैं सो so, लाइक like की पहले बात करते हैं आई लाइक मैंगो आई लाइक क्रिकेट आई लाइक रेन आई डू नॉट लाइक अनराइप फ्रूट आई डू नॉट लाइक फुटबॉल आई डू नॉट लाइक हार्ट वेदर नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है लर्निंग टू स्पीक प्रोनाउंस वीक एंड स्ट्रोंग फॉर्म्स ऑफ डू एंड हैव हैव और डू की स्ट्रॉन्ग और वीक फॉर्म को प्रोनाउंस करना है बस ये काम करने पहले फिक्रे पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं डू यू ईट स्वीट्स एवरी डे यस आई डू नो आई डोंट यस आई डू में डू जो है वो स्ट्रोंग फॉर्म है आई डोंट डोंट जो है ये वीक फॉर्म है Do initial जो है वो strong है। Do you have a pencil? Yes, I have. Strong है। No, I haven't. Haven't में जो have की sound है वो weak sound इसी है। इसी question की second use है Why do we wash our hands before eating food? Give one reason. खाने से पहले हम क्यों अपने हाथ wash करते हैं? जरासीम को दूर करने के लिए हम अपने हाथ खाने से पहले वॉश करते हैं। तीसरा पार्ट है रीड अलाउड रीड अलाउड एनी ऑफ द पोईम्स फ्राम द फोर यूनिट जो फोर यूनिट है इनमें से एक पोईम पढ़नी अलाउडली आई एम बोसिंग आई एम बोसिंग बोन्सिंग एवरीवेयर आई आई बोस इन टू द एयर

उनके सवालत के जवाब देने हैं ठीक है सो so, सवाल के जवाब देखते हैं वट इज़ द कलर ऑफ़ अनानाज टूथ ब्रश टूथ ब्रश का कलर कौन सा है द कलर ऑफ़ अलनाज टूथ ब्रश इज़ येलो आधा लेसन में से ही है जस्ट इज़ येलो याद रखना है वो भी पैसेज से देख कर लिख लेना है वेयर इज़ द होम ऑफ अनाज टूथ पेस्ट टूथपेस्ट का होम कहाँ है जी द होम ऑफ अलीनाज टूथपेस्ट इज ऑन अ ग्लास शेल्फ ग्लास शेल्फ पे है जी हाउ मैनी टाइम डज अलीना ब्रश हर टीथ अलीना ब्रश इज हर टीथ ट्वाइस अ डे दो बार अलीना दांत साफ करती है जी वाई डू वी ब्रश आर टीथ वी ब्रश आर टीथ टू रिमूव बैक्टेरिया बैक्टेरिया को रिमूव uh, करने के लिए हम उनके खात्मे के लिए हम टीथ को ब्रश करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामर पर है सेपरेट नाउंस एंड एडजेक्टिव फ्राम द गिवन फ्रेजेस ये फ्रेजेस दी गई हैं इनमें से नाउन और एडजेक्टिव को सेपरेट करना है नाउन किसी चीज़ जगह शख्स फीलिंग वगैरह के नाम को कहते हैं एडजेक्टिव नाउन की आ, तारीफ करता है वो वर्ड उसको कहते हैं हम एडजेक्टिव या ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन के मतलब में इजाफ़ा करता है सो so, ये मैंने इनको सेपरेट करके लिखा हुआ है शर्ट हॉर्स डिश रूम ड्रेस ये नॉम्स है लॉन्ग ब्लैक स्वीट क्लीन नाइस ये एड्जेक्टिव है नेक्स्ट अंडरलाइन द प्रपोजिशंस इन द गिवन सेंटेंसेस प्रपोजिशन को अंडरलाइन करना है इन ऑन अंडर अवर ये प्रपोजिशन है इन जुमलों में नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज द वर्ब कैन टू शो अबिलिटी राइट थ्री थिंग्स यू कैन डू एंड टू थिंग्स यू कान डू इन योर नोट बुक्स सो तीन ऐसे काम बताने हैं जो आप कर सकते हैं और तीन वो बताने हैं जो आप नहीं कर सकते क्योंकि कैन अबिलिटी को काबिलियत को असलायत को शो करता है आई कैन रीड इंग्लिश मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ आई कैन प्ले क्रिकेट में क्रिकेट खेल सकता हूँ आई कैन सिंग में गा सकता हूँ आप कैन नाट वाले I cannot speak English. मैं इंग्लिश बोल नहीं सकता I cannot sing well. मैं नहीं गा सकता दो उसने कहे थे चले मैंने तीन कर दिए I can't fly. मैं नहीं उड़ सकता नेक्स्ट सिंगुलर और प्लूरल का टेबल दिया गया इसे कंप्लीट करना है सिंगुलर वाहिद को कहते हैं और प्लूरल जमा को fox foxes, baby babies, toys जमा दी गई है toy सिंगुलर लिख देना है फ्रेंड्स जमा दी गई है फ्रेंड लिख देना ब्रश ब्रशेस इकोस लिखा हुआ है इको लिख देना है नेक्स्ट डी पार्ट है राइटिंग पर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब सही वर्ब की फॉर्म को हमने पुट करना है इन ब्लैंक्स में सो so, वांट्स पहली में आ जाएगा जी देन uh, टॉक आ जाएगा फिर लाइक्स आ जाएगा

ही पिकड अप द स्पैरो ने उठाई उस स्पैरो को ही रैप्ड इन अ क्लीन टॉवल एक साफ तोलिए में वो लपेटता है उसे देन पुट इन साइड आ शूबॉक्स और जूतों के डब्बे में वो डाल देते हैं ही कॉल फॉर आ वेट डॉक्टर एनिमल डॉक्टर को बुलाता है वो ही ट्रीटिड उस डॉक्टर ने उसे उसका इलाज करते ट्रीटिड इट है इट थोड़ा सा मिसिंग हो गया इट ट्रीटिड इट आफ्टर फ्यू डेज़ अनस फ्रीड इट कुछ दिनों के बाद जब वो ठीक हो जाती है तो अनस उसे आज़ाद कर देते हैं आखिर पर मेरे तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें जजाक ला